बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्विच केस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उसके लिए वैम सर्वर को ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले वैम सर्वर XM यूज़ कर लें या वैम यूज़ कर लें, ये दोनों आपकी मर्जी है, ठीक है। स्विच केस पर आते हैं। सबसे पहले गर्ल्स, मैं इसकी आपको जो है वो एक्सप्रेशंस या सिंटेक्स मेथड लिखवा रही हूँ, जो आप लोग अपने पास लिख लें। ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स दे दिया है, ठीक है। स्विच एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड अ सिंटेक्स। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा सिंटेक्स के, सिंटेक्स ऑफ स्विच मेथड। एक्सप्रेशन ब्लॉक ओपन कर लीजिएगा, केस वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमेशा नीचे आता है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड ब्रेक, यहाँ एक ब्लॉक हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट, इफ यू वॉन्ट टू गिव मोर देन 3-4 केसेस तो आप आसानी से दे सकती हैं। डिफॉल्ट देन अगेन स्टेटमेंट, दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ स्विच मेथड। यहां पर ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे आप लोग, और आखिर में वो कंडीशंस देंगे। अगर इन केस इन सब में से वो कंडीशन मीट नहीं करती तो वो इस ब्लॉक में आकर स्टक हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, सेम लाइक दैट। अगर आपको याद हो तो हमने इफ एंड एल्स पढ़ा था, हमने वहाँ पर कंडीशन लाजमी दी थी कि अगर इन केस कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो कंडीशन किसी एक पॉइंट पर आकर, सर्टन पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएगी, राइट। यहाँ पर भी सेम लाइक दैट ऐसी ही पोजिशन है। तो इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका वर्किंग करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। डेज पे मैंने होल्ड करा दिया कुछ सॉर्ट ऑफ डेटा, आई जस्ट राइट हियर अ टू, और अब स्टेटमेंट के अंदर मैं स्विच में डेज को कॉल कराऊंगी। वही मेथड जिस तरह से टॉप पर लिया, एक्सप्रेशन दे दी है मैंने, यहाँ पर अब कंडीशंस लगाना शुरू करते हैं। इन केस केस वन के अंदर जो कंडीशन हम लोग दे रहे हैं, इको स्टेटमेंट के थ्रू मैं यहाँ पर स्टेटमेंट राइट डाउन कराऊंगी। टुडे देन यहाँ पर नेक्स्ट पर आके ये पॉइंट यहाँ पर ब्रेक हो गया। सही है, इसी केस को मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट, देन अगेन पेस्ट, और आखिर में
डिफॉल्ट स्टेटमेंट। देन इसको भी ब्रेक कर दें। यहां पर आके जब ये एंड का आपके पास स्टेटमेंट आएगा तो याद रखिएगा ये कहलाता है, यहां पर आके आपका एंड स्विच मेथड हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग आपका स्विच से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही आपने कहीं डिफॉल्ट पर दे दिया, ठीक है, अब इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि आपके पास केसेस कितने हैं, आपके पास केसेस 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, एक लैडर चलेगी। लेकिन जहाँ पर आपने डिफॉल्ट दे दिया, इसका मतलब क्या कि अब फर्दर मोर आप केस और कोई जनरेट नहीं कर सकते, दिस इज द लास्ट केस। क्लियर एवरीवन? नाउ मूव ऑन, इसको सेव करवाते हैं और इसको मैं रन करा रही हूँ। टुडे इज मंडे, ठीक है, केस टू पे, सॉरी, फाइव राइट हियर, वन। अच्छा, मंडे क्यों आ रही, क्योंकि मैंने इनको चेंज नहीं किया, तो चेंज भी करना है। एंड दिस इज द वेडनेस डे, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पर चेंज करके थर्ड कॉल करा रही हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको रन किया, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर आउट ऑफ द बाउंड नंबर राइट डाउन कर दिया, लाइट मैंने जो है वो 10 लिख दिया, क्योंकि वो वैल्यू इन तीनों केसेस से मैच नहीं करती, तो लिखा हुआ जाए गिवन नंबर इज़ नॉट इन रेंज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहने का मकसद क्या, जितने केसेस आपने दे दिए, आखिरी वैल्यू इंडिकेट करेगी कि अगर इन केस जो गिवन नंबर है वो मैच नहीं करा इन केसेस से, तो आपका रिजल्ट को वहीं पर ही स्टॉप करा देगा। फाइन गर्ल्स, कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर 4 राइट डाउन करती हूँ, मेरे पास केस नंबर 4 अवेलेबल नहीं है, सी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केस 4 जनरेट कर देती हूँ तो फिर वो कॉल उसे करेगा, ऑब्वियसली। इन केस इफ आई राइट हियर अ 4 एंड टुडे इज थर्सडे, इट्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड। फाइन एवरीवन, सो नेक्स्ट